नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का जोधपुर के एक ऐतिहासिक जगह में स्वागत है जिसका नाम है मंडोर उद्यान। दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुराने पुराने यहाँ मंदिर बने हुए हैं और इनमें से कुछ खास मंदिर जो यहाँ पे है काल भैरव का है, गणपति जी का है और गोरा भैरव देव का है। अब भैरव देव का वैसे भी राजस्थान में बहुत ही ज़बरदस्त वर्चस्व है, जैसे कि यहाँ से थोड़ा दूर, यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पे नाकोड़ा भैरव एक तीर्थ है जहाँ काफ़ी सारे लोग जब भी राजस्थान में आते दर्शन के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक जगह है जोधपुर में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ भी काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं मंडोर उद्यान में। दोस्तों इस पूरी जगह से मैं आपको रूबरू कर रहा हूँ, एक एक जगह को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इन सभी के बारे में बारीक से बारीक जानकारी इस वीडियो के दरमियान मैं वॉइस ओवर में डालूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। मंडोर उद्यान जोधपुर का एक प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल है। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह जी के शासनकाल के समय सन 1714 से 1749 के बीच निर्माण किया गया था। उनके बाद जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवाकर धीरे धीरे इसे आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार किया। मंडोर सांप्रदायिक सद्भाव व एकता का प्रतीक है। तन्हा पीर की दरगाह, मकबरे, जैन मंदिर तथा वैष्णव मंदिर सभी का एक ही क्षेत्र में पाया जाना इस बात का मजबूत सबूत है कि विविधता में एकता यहाँ की जीवन की प्रमुख
विशेषता रही है। ताजा महकते फूल, बड़ा सा बाग और घूमने सैर सपाटे की इतनी जगह कि पूरे दिन घूमो तो भी कम पड़ जाए, यह है मंडोर उद्यान। यहाँ देवताओं की साल, अजीत बोल, पंचकुटा की छत्रिया, हॉल, म्यूजियम, नागा दही और बच्चों के लिए झूले भी हैं। यहाँ पर काला गोरा भैरू जी और तन्हा पीर दरगाह भी है।
मंडोर उद्यान में देवताओं की शान व वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं।